पूजा क्या चल रहा है आज? एक तो पापा पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है अक्षय, क्या सीन चल रहा था? आज नरेन का जन्मदिन है, लेकिन जन्मदिन जैसा जश्न नहीं हो पा रहा है। एक छोटा सा पाठ रखा था और उसके बाद ही नरेन को पता चल गया। एक कैरेक्टर है बंधु, जो कि अभी तक पता नहीं है कि कौन है, जो करता धरता है, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं घर की, सब बंधु जो हैं उनकी वजह से हो रही है। और उन्होंने ही सबको मैसेज भेजा है, और ये नरेन के लिए भी हैरानी वाली बात है। बर्थडे के दिन ही उन्हें पता चल रहा है कि उनके फादर ने कॉन्ट्रैक्ट में एक ऐसा सिग्नेचर, एक ऐसा क्लॉज डाल दिया था कि उन्हीं के हिसाब से उनके बेटे की शादी होगी, जिससे वो चाहेंगे उसी से, उसी लड़की से नरेन की शादी होगी। तो अभी नरेन इस समय इतने गुस्से में कह रहे हैं, आप मुझे जेल भेज दीजिए, कुछ कर लीजिए, ये इससे कुछ नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट, आई डोंट एग्री ऑन दैट। तो बहुत ही गुस्सा है, आप काफ़ी ख़राब लग रहा है सबको। बर्थडे के दिन अगर किसी को ऐसा सरप्राइज़ मिल जाए तो वही, कहीं ना कहीं पूजा अपनी फीलिंग हाइड करती हुई भी नज़र आ रही है पूरे बर्थडे के इसमें। बहुत मुश्किल है कि पूजा को ही ये टास्क मिला है करने के लिए। सुप्रिया जी और हरीश जी ने पूजा को कहा है कि नरेन और सुरभि को एक करवाने के लिए अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पूजा ने ऐसा नहीं किया तो पूरा व्यास मैंशन, पूरी व्यास फैमिली जो है वो सड़क पर आ जाएगी। तो पूजा को अपने इमोशंस को संभालना है, खुद को भी संभालना है और व्यास फैमिली को भी संभालना है, ताकि सुरभि और नरेन एक हो जाएं। पर ये इग्नोरनेस जो आप बनाई रखी है नरेन के लिए, पर उनको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि आप उनसे बात नहीं कर रही है, उनको इग्नोर कर रही हैं। बहुत मुश्किल है, कैसे कोई फेस कर सकता है जब एक इंसान दूसरे इंसान से प्यार करता है और उसी को दो उसी को किसी और से उसके साथ मतलब नरेन भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है कि आप उनसे। नरेन और पूजा दोस्त है, तो नरेन के हिसाब से तो पूजा बात नहीं कर रही है तो दोस्त नाराज़ है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा है कि नाराज़गी का कारण क्या है। और समझाना भी बहुत ही मुश्किल है पूजा के लिए, क्योंकि एक तरफ पूजा उससे उनसे इतना प्यार करती है और उसी को जो है सुरभि और नरेन को एक करना है, तो कितना मुश्किल हो सकता है किसी के लिए ये। अच्छा, लास्टली क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने मिलेंगे शो में पूजा और नरेन को लेकर? बहुत सारे, शुरू से लेके अभी तक बात यही थी कि जो बात छुपाई जा रही थी नरेन से, कि उसकी सगाई बचपन में फिक्स हो चुकी है, और पूजा क्यों आई थी व्यास मैंशन में, रीज़न यही था, पूजा को बुलाया गया था ताकि नरेन और सुरभि की, नरेन को प्रिपेयर करवा दिया जाए ताकि वो सुरभि से शादी कर ले। और पूजा के लिए भी बहुत बड़ी बात है, उसे भी पता चला है, अभी पता चला है पूजा को भी कि उसको इस जॉब के लिए बुलाया गया था, ये पूजा भी अनअवेयर थी इस बात से।